ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जयपुर नगर निगम देवघर मेयर शील दहबाई दौरे पर मानसरोवर क्षेत्र का कर रही है दौरा। अतिक्रमण को लेकर मेयर ने नाराजगी जाहिर करी है। आधा दर्जन स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। स्वर्णपथ स्थित एक ढाबे पर कार्यवाही के निर्देश यहां पर मेयर की ओर से दिए गए हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण करने को लेकर मेयर की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश यहां पर दिए गए। सफाई व्यवस्था को लेकर भी बीवीजी पर अपनी नाराजगी मेयर की ओर से जताई गई है। विजिलेंस की टीम और प्रशासनिक अमला मेयर के साथ मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। जियाउद्दीन, आप खुद वहां पर मौजूद है, किस तरह की तैयारियां कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी नाराजगी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर क्या कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है? तो आपको बता दें आधा दर्जन स्थानों पर अतिक्रमण जो कराया गया था, उस अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर शील दहबाई दौरे पर है, मानसरोवर क्षेत्र का दौरा कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको मानसरोवर क्षेत्र की दिखा रहे हैं। जियाउद्दीन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज सुबह से ही मेयर जब दौरे के ऊपर निकली, खास तौर से मानसरोवर इलाके के अंदर दौरे के ऊपर निकली, स्वर्णपथ और वरुणपथ और कई इलाके ऐसे हैं जहां पे दौरे पे निकली, लगभग एक दर्जन से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण जो दुकानों के बाहर किए गए तो उनको हटाया गया है। इस वक्त हम मौजूद है माँ ढाबा एक्सप्रेस, चूंकि जो सीवर की लाइन थी, जो नाला था, उसी के ऊपर अतिक्रमण किया गया। हाथों हाथ अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, जो सामान है उसको जब्त करवाया जा रहा है। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है, तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे मौजूद है और मेयर का यही कहना है कि जयपुर शहर को साफ सुथरा बनाना है, किसी भी सूरत के अंदर अतिक्रमण के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसी को लेकर ये कार्रवाई जारी है। हमारे साथ खुद मौजूद है मेयर शील दहबाई जी, उनसे जानते हैं आप जयपुर शहर के मानसरोवर क्षेत्र में दौरे पर आई थी, किस तरह के हालात नजर आए? लगभग एक दर्जन से ज्यादा कार्रवाई हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार ये कहती रही हूँ, मैंने अभी कहा कि मैं गार्बेज फ्री जयपुर करना चाहती हूँ, मेरा सपना है और इसको हम करके रहेंगे। दूसरा है अतिक्रमण फ्री, ये दो मेरे मिशन है। जयपुर को बिल्कुल मैं क्लीन कर दूंगी और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से कराए, हम कम से एक दर्जन आप देख रहे हैं, सबको जेसीबी हमारा पूरा अमला आ रहा है आज, जितना जहाँ तक मिलेगा। आज इस रोड का हमारा दौरा है, इसमें बिल्कुल क्लीन करके जाएंगे हम यहाँ पर। देखिए कितनी जगह कार्रवाई की गई, क्योंकि कई दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने दुकान के बाहर और फुटपाथ और नाला वो तब कवर कर लिया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होती। नहीं कराए ना, आज कराए ना, आज मैं निकली हूँ ना, मैं किसी बार बार मैं जयपुर की जनता को कह रही हूँ, ये जितने भी हैं सब सुन ले, मैं अतिक्रमण फ्री करके इसको रहूंगी, मैं खुद लगातार दौरे पर रहूंगी। ये सारी टीम पूरा स्टाफ है नगर निगम, जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक ये अतिक्रमण फ्री नहीं हो जाएगा और जब तक शहर गार्बेज फ्री नहीं हो जाएगा, ये हमारा मिशन चल। देखिए गार्बेज फ्री की बात आप करते हैं, वो तब हो पाएगा क्योंकि बीवीजी कंपनी से आप सब पीड़ित हैं। बीवीजी कंपनी पे कब कार्रवाई होगी? 15 दिन का नोटिस भी हो। छोड़िए बीवीजी कंपनी को, हम गार्बेज फ्री श्री जो पूना है वहाँ पर इतना सिस्टम है कि गार्बेज का कुछ मिलेगा ही नहीं। स्टार्ट से कलेक्शन से लेके लास्ट तक डिस्पोजल तक जो भी मटेरियल होगा, जितना यूज हो सकता है वो यूज होगा, उसके बाद में वो बायोगैस बन के उड़ जाएगा। मशीनें अपने आप काम करती चलेंगी, पूना वाला कंपनी है जिसने वहाँ पर पूना में ये किया है। अभी हमारे 8-10 दिन में हमारी पूरी टीम जा रही है, एक्सपर्ट्स की टीम जा रही है, वो वहाँ से सारा बजट लेके और डेमो देके आएंगे हम लोग और जल्दी से जल्दी जो प्रक्रिया हो सकती है उसको पूरा करके। निगम की माली हालात ठीक नहीं है, आप हर संभव कोशिश कर रही हैं, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा? बजट आएगा, मैं अभी जो मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर मैं यूडीएच मिनिस्टर है, केंद्रीय मिनिस्टर, उनसे बात करी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बहुत बड़ा बजट है जो इसी में यूज होना है, हम उसको भी लेंगे। अभी मैं शांति धारीवाल जी मंत्री जी से भी मिली, उनसे भी मैंने बात की है, सरकार भी हमारा सहयोग करने के तैयार है और बाकी जितना होगा हम नगर निगम के सोर्स रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं उनसे भी लेंगे। हमें जितना लोन भी लेना पड़ेगा, अभी तो हम 500 करोड़ का मांग रहे हैं, हम लोन लेके भी इस प्रोजेक्ट को करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता। गार्बेज फ्री शहर कब तक सपना साकार हो पाएगा? क्योंकि पहले अभी तो दौरा करेंगे, फिर नई रूपरेखा बनेगी, वो तो
पता चलेगा कितना टाइम लेता है, वहाँ जाके पता चल पाएगा कितने दिन में इसको इम्प्लीट कर पा सकें, जल्दी से जल्दी पॉसिबल। देखिए जनता भी जानना चाहती है आखिर बीबीजी पे कब कार्रवाई हुई। अरे बीबीजी पे अभी 3 तारीख को कोर्ट में हेयरिंग है, हम ये सारा इसीलिए दिखा रहे हैं। माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर ये कंपनी नहीं करती है इसको हटा दो, अभी कोर्ट में यही चल रहा है, वो बार बार स्टे लेके आती है, तो हम स्टे वेकेट करा के रहेंगे अभी 3 तारीख को सुनवाई। और निश्चित तौर पर हमें ऐसी कोई कंपनी नहीं चाहिए, बीबीजी चाहिए ना कोई चाहिए हमें, जब हमारा कचरा फ्री होगा तो सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से होगा। देखो अतिक्रमण मुक्त शहर होने के लिए कब तक ये अभियान चलेगा और कब तक आप चल? नहीं ये तो अभियान अब रेगुलर चलेगा, आज डीसी आप आए हुए हैं यहाँ पर, सारे डीसी को हमने कह दिया कि लगातार कोई दिन लिमिट नहीं है, जब तक सारा अतिक्रमण फ्री नहीं हो जाता ये शहर तब तक ये चलता ही रहेगा। देखिएगा साफ तौर के ऊपर जो मेयर शीलदा भाई है उनका कहना है कि गार्बेज फ्री शहर करना है और साथ के साथ अतिक्रमण मुक्त करना है, और आप देख सकते हैं कि प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरह से जितनी भी दुकानें थी जिनके बारे ऐसा अतिक्रमण किया गया था उनके सामानों को जब्त किया जा रहा है, चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मेयर निकलती है तभी कार्रवाई होती है, उससे पहले जो अधिकारी हैं वो दफ्तर में बैठे रहते हैं, खाना पूर्ति करते रहते हैं, यही नतीजा है कि जयपुर शहर के अंदर दिन पे दिन अतिक्रमण की भरमार होती गई। इस ढाबे की बात करें तो ये ढाबा मेन रोड के ऊपर मौजूद है और यहाँ पे जिस तरह का अतिक्रमण किया गया था उसको लेकर मेयर ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर की। ऐसे में अब देखना यह है कि मेयर ने जो दावा किया है कि अतिक्रमण मुक्त शहर, गार्बेज मुक्त शहर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए वहाँ की रियल तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।